आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बमोरी थाना अंतर्गत ग्राम ग्वारखेड़ी से एक नाबालिग पहुंचा एडीएम कार्यालय लेकर अपनी गुहार। नाबालिग के पिता के अनुसार बच्चे का जाति प्रमाण बनने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें 5 जुलाई की तारीख दी गई थी। जब बच्चा 5 जुलाई को लोक सेवा केंद्र पहुंचा तो उसे बताया गया कि तुम्हारा बीपीएल कार्ड निरस्त कर दिया गया है। जब बच्चे ने बोला कि मेरा कार्ड तो बनना ही नहीं था, मुझे तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए था, उस पर लोक सेवा केंद्र से जवाब मिला कि आप एसडीएम महोदय से इस संबंध में बात कीजिए। नाबालिग अपने पिता के साथ आज एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने गुहार लगाई कि उसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए ताकि छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं उसको मिल सके। अब देखने लायक होगा क्या इस नाबालिग को उसका जाति प्रमाण पत्र जल्द मिल पाता है या नहीं। लगाए तो उसमें तो सब डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र में जमा करे, बीपीएल का राशन कार्ड लगाए थे। ठीक है, हमने इसके आवेदन लगाया था जाति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम साहब के लिए, जो भी यहाँ से बनता हो, और उनने हमें 5/7/5 तारीख दे दी थी इस वक्त बच्चे की। तो ये बच्चा गया तो उनने जाति प्रमाण किया तो नहीं दिया, और ये बीपीएल का राशन कि वो निकाल के दे दी उनने लोक सेवा केंद्र से। हाँ, और फिर क्या हुआ? हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यादव समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, साथ ही गुहार लगाई के बमोरी थाना अंतर्गत बाबा साहब प्रतिमा एवं संत श्रोमणी की प्रतिमा को तोड़े जाने की निष्पक्ष रूप से जांच हो। नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू यादव ने बताया कि मुदौल ग्राम में पुरानी रंजिश के चलते यादव समाज के लोगों को नाम मूर्ति से तोड़ने वालों की सूची में लगा दिया गया है। वहीं यादव समाज के अनुसार जिन अज्ञात लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग कलेक्टर विजय दत्ता से की गई। साथ ही गुहार लगाई गई कि पुरानी रंजिश को इस मामले से न जोड़ा जाए, क्योंकि यह मामला राजस्व विभाग का भी है। और आपके माध्यम से जमीन की नप्ती भी हो गई उस दिन, लेकिन अब वो मूर्ति कोई अज्ञात लोग तोड़ गए, उसमें यादव समाज का नाम लिया जा रहा है, जबकि ये लोगों की पुरानी रंजिश है। तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो जाए, जो गुनहगार हो उसे सजा दी जाए। बमोरी तहसील में मुंदोल ग्राम है, वहाँ का ये घटनाक्रम है कि अभी 3/4 को देश के संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मूर्ति का हाथ है ना, हाथ कितनी लोगों ने तोड़ दिया अज्ञात लोगों ने। अब जिन लोगों ने इनका नाम लिखाया है, जो यादव समाज के लोगों का, वो आपसी रंजिश से पुरानी रंजिश उन लोगों की चली आ रही है। जमीन का विवाद था, जमीन भी नपती हो चुकी है, जमीन वो सरकारी में जहां मूर्ति स्थापित की गई थी वो सरकारी जमीन में स्थापित है मूर्ति। इन लोगों का कोई विवाद नहीं था, उसे जमीन को छोड़ दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ स्थापित है, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। उस आरोप में पुरानी रंजिश के कारण यादव समाज के लोगों का नाम लिखाया गया है, तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम पूरे यादव समाज के लोग निवेदन है कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और हमारे लोगों पे जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है, जो दोषी है उसे पकड़ा जाए। ये ज्ञापन हम यहाँ दे रहे हैं। रघुवंशी समाज में शुरू हुई गुटबाजी, जिसके चलते नवीन अध्यक्ष ने दिया पद से इस्तीफा। हरेंद्र रघुवंशी ने दिया ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हरेंद्र के अनुसार हर वर्ष एक ही अध्यक्ष बनाया जाता है, इस बार 2 अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही युवाओं से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई। हरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि उनके साथ 70 लोगों की टीम है, जो इस बात से रुष्ट है कि युवाओं को ना तो इस बारे में बातचीत की गई और ना ही समाज के अध्यक्ष बनाए जाने पर रघुवंशी समाज के लोगों को बुलाया गया। वहीं हरेंद्र और उनकी टीम ने यह निश्चय किया है कि अब वह कभी भी समाज के किसी भी कार्य में साथ नहीं देंगे।
हरेंद्र रघुवंशी उपावत अखिल भारतीय रघुवंशी युवा क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष ग्रामीण पद से अपना इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि मैं जो निरंतर 4 या 5 वर्षों से काम कर रहा था वो मैं ग्रामीण के लिए नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक अध्यक्ष के लिए कर रहा था कि समाज बटे ना, एक अध्यक्ष बने, जबकि समाज ने 2 अध्यक्ष बना दिए। इसमें आपकी आगे क्या, आप आगे मेरी राय ये है कि मैं समाज के लिए अब कभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि जो करता है उसको कोई मेहनत नहीं मिलती, तो उसका मेहनत का फल भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा भी तो होगा कि आपके लिए ये लोग चांस दे रहे थे लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ, इसमें क्या है आपकी राय? नहीं, चांस कुछ नहीं दिया ना, हम किसी भी युवाओं से नहीं पूछा बैठाल के कि हम ऐसा करेंगे, 2 बनाएंगे। अभी तक 2 बनाने की परंपरा हमारे समाज में है ही नहीं है, अभी तक जब से हमारे समाज का गठन हुआ कि 2 युवा अध्यक्ष बनेंगे, हर हमेशा एक ही बनता है। जैसा आपने बताया कि एन टी एम तक आपका था, पर ऐसा क्या हुआ कि जो वो वरिष्ठ जाने, ऐसा उन्होंने क्या किया है, गांठ सांठ करके जो भी उनने बात की हो आपस में, प्रेशर रहा हो अब समाज के लिए आप? मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, कोई भी काम समाज यही नहीं, हर युवा मेरे साथ समाज से जुड़ा था। तो आपके साथ में करीबन कितने लोग जुड़े हुए थे? हम 60-70 लोग थे, मतलब जो एक साथ बैठते हैं, जिले की पूरी टीम थी। इसमें आप पहले आपने क्या क्या किया है? मैं अब करीब हमारे समाज में अभी तक 58 मीटिंग हुई हैं, उनमें से मैं 41 मीटिंग में गया भी हूँ, सारे रिकॉर्ड हैं, सिग्नेचर भी हैं रजिस्टर पे। इसके अलावा हमारे समाज में रामनवमी पर वो चंदा इकट्ठा होता है, तो उस कलेक्शन में भी मैं गया हूँ और इकट्ठा करके दिया, माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दिया भी है। और इसके अलावा हमारे समाज में अभी एक परंपरा चल रही थी, माननीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी के टाइम पे हम गांव-गांव जाते थे सारे लोग, तो वहाँ अपनी सबकी बात रखते थे समाज के साथ बैठकर। उसमें भी मैं करीब 16-17 गांव में माननीय अध्यक्ष जी के साथ गया भी हूँ पहले से ही। पेंशनर संघ पहुंचा कलेक्ट्रेट के पास गुहार लगाने कि उनके साथ अन्याय ना हो। वहीं पेंशनर संघ ने बताया कि रेड क्रॉस भवन में जो जांच शिविर पहले सुबह की पाली में चलता था उसे उसी प्रकार चलाया जाए, क्योंकि नवीन समय सारणी में ना तो वहां डॉक्टर उपलब्ध होते हैं ना ही दवाइयां मिलती हैं। साथ ही अस्पताल की स्टाफ नर्स को 11 महीने से पेंशन ना मिलने की बात भी उन्होंने कही। इनका कहना है कि स्टाफ नर्स जो कि डायलिसिस पर है उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत है, वहीं 11 माह से उसे पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैंकों के द्वारा पेंशन सही समय पर नहीं दी जाती, जिसकी अध्यक्षता खुद कलेक्टर करते हैं, तो कलेक्टर के पास वैसे भी सभी अधिकार प्राप्त हैं, जिससे पेंशनरों को समय पर उनकी पेंशन का भुगतान हो सके। पेंशनर स्वास्थ्य शिविर के संबंध में चर्चा करने आए थे कि इन्होंने रेड क्रॉस भवन में रखा है, हम चाहते हैं पूर्ववर्ती हो जाए कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई 3 से 5 तक, ना डॉक्टर आए, ना दवाइयाँ मिली, ना जांच हुई, तो इसलिए जो पूर्ववत पहले चलता था प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक उसको ही रखा जाए जो आगामी 13 और 14 में पेंशन शिविर है। दूसरा, जिला पेंशन अधिकारी और कोषालय अधिकारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बैंकों में एवं अन्य विभागीय अधिकारियों में नियंत्रण नहीं है, तो ये उनका विषय नहीं है, कलेक्टर का विषय है, कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होती है। तो अगर कोई विभागीय अधिकारी अगर निर्णय नहीं मानता तो कलेक्टर को अवगत कराया जाए, ना कि स्वयं अपने दस्तखत से जिला कोषालय अधिकारी निकाल रहे हैं। तीसरा प्रकरण है, एक केरल में महिला है जिसको 11 माह से पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में अपने गुना में स्टाफ नर्स थी और बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक पेंशन उनकी नहीं खाते में डाली है, जबकि वो डायलिसिस पे चल रही है। केरल से फ़ोन आया था तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी। से लापता नाबालिग युवती के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। युवती के परिजनों का कहना है कि वह 2 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परिजनों का कहना है कि बालिका को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इसी मांग को लेकर आज परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे।
मुझे 6 तारीख से पता लगे सुबह 9 बजे के 1 बजे तक मोड़न से जी बोल के आइए, मोड़न से बोल के आइए, वो फिर मैं पापा ने बुलाइए ये कागज़ लेके मोड़न की मार्कशीट मैंने किया और तुम्हें फोटो कॉल करवा ले बेटा, तू खाना दे आती थी अस्पताल, तो मोड़ा से देख बोल पापा ने बुलाई, मोड़ा कहने लगे अब अवैं साथ में चलना, मोड़ा के मैं जा रहा हूँ पापा ने बुलाई देख के चली गई है। और फिर ना ये बता रहे हैं, एक औरत बता रही है कि लौट के आई वो दोबारा 12 बजे घर है, फिर उसके बाद मोड़ा 11 बजे निकल गए थे है। फिर ना हम लौट के आए ड्यूटी से, हम गए 5-6 बजे, हमें घर पर लड़की नहीं मिली, नहीं मिली, तो एफ आर आई करवाई, जो बोलते हैं तुम भी देखो हम भी पता कर रहे हैं। नवागत थाना प्रभारी नवनीत शर्मा का आज विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सभी ने यह आशा जाहिर की कि थाने में लोगों से बोलचाल का तरीका सुधारा जाए एवं नवीन थाना प्रभारी बहुत अच्छे से गुना जिले की इस थाने की कमान संभाल पाएंगे। नगर के सिटी कोतवाली प्रभारी श्री अग्नेश टीआई साहब से भेंट करने आए थे, क्योंकि वो कल ही उनने पदभार ग्रहण किया है, तो हम चाहते हैं कि नगर में शांति बहाल बनी रहे, क्राइम पर कंट्रोल रहे और सद्भावना रहे, लोगों को बोलचाल भाषा बढ़िया रहे थाने पर, यही अपेक्षा के साथ हम उनसे उम्मीद करते हैं। हमारे आदरणीय टीआई महोदय जी से मिलने आए थे सिटी कोट वाले, मैं आयुक्त हूँ और हमने आदरणीय महोदय से निवेदन किया है कि हमारी बहनों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और मातृशक्ति का विशेष ध्यान रखा जाए, बहनों पर जो हमारी छोटी छोटी बेटियों पर जो जुल्म हो रहा है, तो ऐसे दैत्यों के लिए, ऐसे दानवों के लिए पुलिस एक सशक्त की तरह अपनी सेवाएं दे और बेटियों की सुरक्षा के लिए अपना बल तैनात रखे, जिससे कि गुनाह के अंदर शांति भाव बना रहे, शांति का वातावरण रहे। कई गुना हमारा गुणों से भरपूर है, पर इसमें थोड़ा सा कहीं से माहौल ऐसा बन गया है कि आज शांति जब होती है तो वो पुलिस प्रशासन के हाथ में होता है कि पुलिस प्रशासन चाहे तो गुनाह के जो माहौल है उसको सदैव ऐसा ही रख सकती है, ऐसी हम कामना और आशा रखते हैं। हमारा उद्देश्य था जो टीआई साहब अभी आए हुए हैं जॉइनिंग की है, तो हमारा उनसे एक निवेदन था, हम जो तस्करी का काम रोकते हैं और एक्सीडेंट भी होती हैं, सारी समस्या होती है पूरे ज़िले में, तो उसके विषय में हमने चर्चा की कि आगे से हमारा ध्यान रखें कॉल का, अर्जेंट अगर आपको कॉल आती है तो तुरंत पुलिस को भेजने की कोशिश करें वहाँ पे, जो कि हमारे बंदे कोई विवाद ना लें इसके विषय में, उसके विषय में अपन ने चर्चा की, सारे ज़िले की तस्करी है, बीमार भी होती हैं, एक्सीडेंट भी होती है, तो विवाद का माहौल भी बनता है, तो उस विषय में चर्चा की और आने की खुशी में उनको बधाई भी दी। बरसात के न आने से परेशान हैं शहरवासी, इसी को लेकर आज टेकरी सरकार को मनाने निकली महिलाएं। पुरानी कवदंतियों के अनुसार जब भी बरसात देर से आती है या नहीं होती तो उस समय क्षेत्र की सभी महिलाएं हनुमान टेकरी मंदिर पर पहुंचकर अपने हाथों से खाना बनाकर पहले भोग लगाती हैं, इसके बाद खुद वहां से खाना खाकर खेतों की ओर लौट आती हैं, जहां बैल एवं हल द्वारा खेती की जुताई करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से करने से बारिश जल्दी आ जाती है। पानी की वजह से अब भी पानी बरसात लेट होती है, तो अपनी हिंदू संस्कृति में सारी महिलाएं जाती हैं बाढ़ से टेकरी पे, जो अपना खाना बनाती है अपने हाथों से, वो खाना खाती है, उसके बाद टेकरी दर्शन करती है, टेकरी दर्शन करने के बाद में हल जलाती है किसान के खेत में, और वहाँ से हल और बैलों को साथ में लेके और पूरी महिलाएँ वहीं से ही अपने पास में आती हैं
करीब जब जब बरसात नहीं हुई करीब 20 साल से आती है मेला, ऐसा आज पहली बार हुआ जब बरसात नहीं हुई, नहीं बार बार की बरसते हुई आती है वो, और अगर कल तक बरसात हो जाएगी मुझे इतना विश्वास है हम लोगों की। ऐसा हर साल होता है, ये महिलाएं जब आती हैं अर्घुरे लेके जाती हैं और गीले में आती थी। अच्छा अच्छा, और इसके बाद पानी हर बारी बरसता है ना, कोई संदेह नहीं है इसमें। संदेह नहीं। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का जन्मदिन आरोन में कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। आरोन हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इसके साथ ही मेन बाजार में गायों को घास भी डाला गया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। डॉक्टर साहब आप भी दाम बंद पड़ेगा अस्पताल में। बाहर तक क्या कार्यकर्ताओं के द्वारा शासकीय हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां पर तेल साड़ी एवं साल आदि वितरित किए गए एवं इस अवसर पर सभी कांग्रेसजनों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरोन ने माननीय जयवर्धन सिंह जी दीवाई की शुभकामनाएँ की हैं तथा इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई ब्लॉक कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है तथा भगवान से प्रार्थना की गई है उनको भगवान दीवाई देने की कृपा करें। आदरणीय बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हमारे लाडले विधायक जी का जन्मदिन मनाने हैं एकत्रित हुए, और जो सेवा भाव इस परिवार ने आदरणीय बाबा साहब ने हम लोगों को दिखाया है उसी के कारण हम लोग आज यहाँ पिछले चले आए। एक ऐसा कार्य ऐसी सेवा उन्होंने इस क्षेत्र को दी है जिसकी प्रेरणा से आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनका जन्मदिन मना रहे हैं, और इस वक्त वही प्रार्थना करते हैं कि जिन जन्मदिन बार बार आए और वो इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की सेवा करें। आरोन से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।